तो जी फिर से स्वागत है आपका अक्षा व्लॉग्स में। डे 7 टुडे और आज हमारा है टारगेट नारकंडा, जो भैया का कैंप है वहाँ पे रुकेंगे। इफ़ समवन वांट्स टू लीव टू दिल्ली दे कैन, और इफ समवन वांट्स टू स्टे दे कैन। तो आज हमारा रुकने का प्लान वही है, और आज अभी हम लोग यहाँ कल्पा से निकल रहे हैं। काफ़ी जगह है यहाँ पे घूमने फिरने वाले, अपन वही देखेंगे और उसके बाद नारकंडा निकल। तो शाम को करीबन 5-6 बजे तक हम लोग नारकंडा पहुँच जाएंगे। टारगेट तो यही है, बाकी तो टाइम ही बताता है जब चलते। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं अक्षा ब्लॉग्स को। सोचना नहीं है, यही रूम था जिसको मैंने कल तबाह किया है, ढंग से इस्तेमाल किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भैया और होटल टीम को आज के लिए। यही है हमारी कल रात की स्टे था हमारा यहाँ पे, कमरा नंबर 602। मिलते हैं कभी और, टाटा दे बाय शाय। अथा ये खूबसूरत यार, अथा खूबसूरत बर्फ गल गई, काफी गल गई, देखो पूरा पेड़ गल गया, पेड़ की बर्फ गल गई। नहीं नहीं तो जी जी मैं आपको दिखाता हूँ किन्नर कैलाश के दर्शन। तो ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये जो मैंने उंगली पॉइंट कर रखी है ना, छोटा वाला जो है, ये किन्नर कैलाश है। जय हो भोले बाबा। आज प्रातः काल में छठे दिन, सातवें दिन में हमारे मेहनत होती हुई, शेर लग गए हमारे। उधर हर्ष भाई अपने लगे हुए हैं, इन्होंने तो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग कर रखे हैं हर्ष भाई ने, लोगों को ये ब्लैकमेल कर सकते हैं आराम से। बच्चे इनसे इनसे बच के रहें, ये आपको जहां भी मिले इनसे थोड़ा दूर रहें। और एक ये हमारे दीक्षित भैया हैं, गाड़ी फुल ऑन भरी हुई थी रात भर में, शायद ये पिघली है बर्फ से। और अविनाश भैया ने एट लास्ट मुझे दिखाया कि किन्नर कैलाश है कहाँ, तो वो बैठे हुए। अविनाश भैया करवाएंगे आप ट्रैक, यहाँ से तो दिखेंगे नहीं, जूम इन इसमें इतना होता नहीं है, जो भी है। बट मैंने रील डाल दिया, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो अक्षा व्लॉग्स, या फिर अगर आप मोटरसाइकिल अंडरस्कोर ट्रैवलर अंडरस्कोर आशीष शर्मा, आप उसको सर्च कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा। तो जी अपन लोग चल दिए हैं कल्पा से, अभी दो तीन साइट सीन हैं वहाँ के लिए, फिर उसके बाद हम निकलेंगे नारकंडा के लिए। तो आज डिनर और नाइट स्टे वहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल रात में भैया कैसे स्नो में दिख रहा था, और अब देखना पूरा पिघल गया ना, वाइट वाइट से पूरा ग्रीन हो। तो जी यहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट है भैया, क्या कहानी है सुसाइड पॉइंट की? कुछ नहीं, कुछ तो है नहीं, कोई कहानी नहीं है जी, बस ऐसे ही बोल दिया गया, कह रहा ऊंचाई इतनी है कि कूद जाओ, हैं फारिक, उसके बाद दुनिया के सारे दर्दों से फारिक। तो ये है वो, एंड हाइट तो काफी है यार, नाइस ना है भाई, सुसाइड पॉइंट तो है, यहाँ से क्या ही बचेगा अगर कोई निपटा तो। ऐसे आएगा ये, थोड़ा उधर ही चलाओ आना ना, मैनू नहीं चपना दिया गवारा बिच। तो जी हम पहुंचे रोगी विलेज, यहाँ पे रोगी मंदिर भी है, और हम वहीं पे थोड़ी देर साइट सीइंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे सुसाइड पॉइंट वापस। फिलहाल का यही प्लान है, तो चलो चलते हैं। तो हम लोग रोगी मंदिर जा रहे हैं, छोटा सा ही है, कह रहे पास में ही है, हल्का फुल्का वॉकिंग डिस्टेंस है, कतई ठंड हो रखी है यार। तो जी यहाँ से एक छोटा सा लेफ्ट है जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो कह रहे हैं सीढ़ियों पर पकड़ लो और सीधे मंदिर पे जाएंगे। चलें स्लोली स्लोली, आराम से आना। हाँ जी यही है, आराम से आना सर, आराम से आना, बर्फ है। तो जी ये मंदिर है, लुक
व्यू यार, कहाँ मंदिर बनाया हुआ यार। इसका नाम नहीं, इसका नाम नहीं, वो गया गया मम्मा के पास गया अपने, वो उधर एक और है, धूप ले रही है। इधर आप बिल्कुल इससे चलो पकड़ के ना दोनों, मैं तो ऐसे चल दूंगा धीमे धीमे। तो हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और मेरी ये फौज है ना, दिस इज आवर ग्रुप राइट। यस, ग्रुप का नाम यार कुछ भी रख लो, चीता ग्रुप आराम से, टाइगर ग्रुप। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत आराम से आएंगे, ठीक है, चीता ग्रुप ठीक है ना। चलो हम लोग मंदिर पहुँच गए, दर्शन कर लेते हैं। मंदिर आज बंद है, कहते हैं सुबह सुबह आरती होती है, शाम को नहीं होती, तो सुबह ही खुलता है मंदिर। महेश्वर जी में बार नारायण जी रोगी, इसी से बिजली भी बनाओ आराम से, सोलर पैनल लगाओ, पानी से बनाओ, हम टरबाइन ही तो लगानी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेसिक माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो वो इलेक्ट्रिक, एक घर का काम तो हो ही सकता है। अभी आप बैठ जाओ ना। तो जी ये जो पॉइंट है सुसाइड पॉइंट है, लग भी रहा है ना, पूरी पूरी वैली खाई है यार। तो अगर कोई बंदा गया तो गया, वो नीचे देख रहे हाईवे राइट रोड, हम जब वापस आएंगे तो उसी को पकड़ेंगे, हम वहाँ से आ रहे हैं, वो गांव है रोगी। तो हम लोग अब जा रहे हैं चोटी देवी मंदिर, ये रास्ता है और पैदल के छोटा सा हाइक है, हाइक कह लो ट्रैक कह लो कुछ भी कह लो, पहाड़ी रास्ता है। आ जाओ दीक्षित भाई, कितने जा रहे हो? अरे तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं एंड ऊपर ही माता रानी का मंदिर है, ये चंडी माता है, लेकिन जो गांव है वो कोठी गांव है, इसलिए कोठी माता मंदिर बोला जाता है इनको। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाँव कोठी को गृह रक्षा प्रथम वाहिनी किन्नौर में गोद लिया है आदेशक। हम लोग वही ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। यही मंदिर है फिलहाल, शायद मेरे ख्याल से ये रेनोवेट हो रहा है, वहां से एंट्री है वो उस साइड। जैसा भैया ने बताया था चंडीगढ़ जी कोठी मंदिर है यही है, अभी अंदर चलते हैं। तो उधर भैरव भगवान का मंदिर है और यहाँ दुर्गा माता का, चंडी माता। जय हो प्रभु, जय हो माता रानी। तो ये टोपियाँ रखी हुई हैं, अगर आपको पहननी है, मैं पहन लेता हूँ टोपियाँ, है ना। तो ये अंदर का द्वार है, अंदर चलते हैं। जय हो माता रानी, कृपा बनाए रखें। ये भैरव मंदिर है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया ना जैसे वैष्णो देवी जाते तो भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है। कह रहे थे भैया यहाँ पे पानी निकल रहा है, तो बंद हो रखा है फिलहाल जी। ये तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, यहाँ पे कोठी माता का मंदिर जो है बहुत ही प्रचलित है, तो अगर आप आना चाहते तो अवश्य आए। टीका वगैरह हमने खुद ही लगा लिया था क्योंकि पंडित जी वहाँ थे नहीं, तो मैंने ही सबको लगा दिया। अब हम चल रहे हैं वापस रिकांगपियो की तरफ, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, मतलब ये लोग लंच करेंगे, मेरा ऐसा कोई मन नहीं, हल्का फुल्का पकड़ लूँगा, और उसके बाद सीधा नारकंडा। जिस हिसाब से जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि हम लोग 10-11 बजे से पहले नारकंडा नहीं पहुँचने वाले, जो कि प्लान था 6:30 का, तो फिलहाल तो यही है। चले तो यहाँ हम लंच करने रुके हैं, नहीं से बाय बाय रिकांगपियो। तो हम लोग निकल गए रिकांगपियो से, डीजल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, जो भी है,
उसका देखो डॉगी लेके जा रही है नाइस उत्तरी जर्मन भालू वो बीच रोड में ही। तो उसके बाद हम लोग पेट्रोल लगा के निकल जाएंगे नारकंडा के लिए। लेट्स सी पहुंचते हैं आज या नहीं। मुझे नहीं लग रहा हम लोग रात को 11 बजे से पहले पहुंचेंगे बिकॉज नारकंडा का डिस्टेंस है तकरीबन 160 किलोमीटर 159 लेफ्ट फ्रॉम हियर। तो बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन है 11 बजे से पहले पहुंचना पहाड़ों के 160। अभी हमारे टाइम हो रहे हैं करीबन 3:30। तो 6-7 घंटे तो मान लो यार जो कि बनते हैं 10-10:30। ऑफिस के अंदर रुकोगे भी थोड़ा बहुत ना हो गया 11:30। ये बहुत सही है यार। कॉफी ले लो आप जिसको भी लेनी है। ले लो ये सारी विदाउट शक्कर है। मैंने 4 चाय विदाउट शक्कर बोली है। दो दो भालू ये कॉफी किसने नॉर्मल कॉफी किसने किसके लिए दी। देखो बोली मैंने भी दी लेकिन आप ले लो मैं उठा ले भैया हो गया। पूरा का पूरा पीछे भी भैया जो पिछला पहाड़ है। अच्छा वो ये सामने वाला भाई उतर गया ना एक गाड़ी तो यहीं लगा। आई एम बैक अगेन। मुझे नहीं लगा था कि इस बार आऊंगा। मुझे लगा था रामपुर से निकल जाऊंगा बट दिस इज 7th टाइम मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ 6th या 7th टाइम है सीरियसली। दिस प्लेस यार ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग। देख लो भैया 1 महीना भी नहीं हुआ बुला रहे। चल भाई पनीर थोड़ा सा भैया ने बच्चों के ना जो हमारे ग्रुप में बच्चे हैं उनके थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ है। लुक एट इट ग्रीनरी अब दिख रही होगी। हाँ वैसे पाथ भैया ने कर रखा है नाइस और न्यू ईयर वाला ही सेटअप है देखा जाए तो बट लुकिंग सो गुड। वो हमारे गेम्स एज यूजुअल उनमें से कोई ना कोई मिलेगा नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई से मिल जाए अकेले जिद्दा। तो जी ये है हमारी जिप्सी जिसने हमारा स्पीति ट्रिप करवाया है। मैं पर्सनली कह रहा हूँ भाई इससे सेक्सी कार नहीं हो सकती भाई। मतलब 10 on 10 इस गाड़ी को हर मामले में परफॉर्मेंस वाइज वेट वाइज उसके बाद ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग स्नो ड्राइव आप कुछ मान लो कोर बेसिक कार है। ऐसा नहीं है कोई इसके अंदर टेक्निकल स्टफ हो। द वर्स्ट पार्ट मेरा सीन ये था मैंने भैया से यही पूछा कि भाई अब क्या है मतलब अब तो ये बंद हो गई जिप्सी। आई वॉज लाइक मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई गाड़ी तो यही है बाकी सब बेकार है इसके आगे। इसका वेट कम है बिकॉज ऑफ विच इट रन्स लाइक हेल। बेसिक 4x4 एंड 4x2 मोड्स हैं इसके जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील को ब्लॉक कर देते हैं। यार मतलब इससे अच्छी कार नहीं हो सकती कोई ऑफ रोडिंग में नहीं हो सकती। आई बो डाउन टू इट यार। मतलब वो पैसे देखो ना पैसे कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद आप रेंज ओवर ले लो दैट्स अ डिफरेंट थिंग है ना। उसके बाद आप थार उठा लो वो अलग बात है बट ब्यूटी यार भैया बताए थे 2011 या 2007 ऐसे कुछ 9 का मॉडल बता रहे थे अमेजिंग। और ये कल आ जाइए और ये परसों फिर जा रही है। सो तो अब सामान निकालते हैं और चलते हैं अपने फालिक कैंप में जो मुझे मिला है। मेरे को मैंने सच कोई रिक्वायरमेंट बोली नहीं थी बिकॉज मेरा प्लान ही नहीं था यहाँ पे रुकने का इस बार बट क्या कर सकते हैं भैया ने बोला कि तुम परसों निकल जाना तो मैं निकलूँगा शायद संडे को। तब तक के लिए मैं सामान निकाल लूँ भारी है चिपक गया। तो जी यहीं तक का सफ़र था जिप्सी के साथ। अब होगा रिमेनिंग सफर एल्ट्रॉस के साथ बट कल मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। चलो बाद में बनाते व्लॉग ना बचा कुछ सामान।